क्रिस्टबेल स्लाइड सेवन। स्लाइड सेवन के अंदर आपको दिखेगा द कंक्लूजन टू पार्ट वन। इट वॉज अ लवली साइट टू सी। अब कंक्लूजन के अंदर क्या होता है कि जो भी हमने पूरी पोइम पढ़ी है सिक्स स्लाइड्स के अंदर, उसका एक छोटा सा सारांश वो देते हैं जिससे हमको ये बात और आसानी से समझ आती है, क्योंकि बहुत लंबी पोइम है। इट वॉज अ लवली साइट टू सी द लेडी क्रिस्टबेल व्हेन शी वॉज प्रेइंग एट द ओल्ड ओक ट्री। सारांश में क्या बता रहे हैं कि बहुत अच्छा दृश्य था कि क्रिस्टबेल एक पुराने पेड़ के नीचे बैठ के प्रार्थना कर रही थी। अमिड द जैगेड शैडोज ऑफ मॉसी लीवलेस बाउज, नीलिंग इन द मूनलाइट टू मेक अ जेंटल वाउज। और वो वहाँ पे छाया थी, रात थी और छाया थी, और जो पेड़ थे उसमें पत्तियाँ नहीं थी, लीफलेस, और वो मूनलाइट यानी चांद की रोशनी के अंदर घुटनों के बल बैठ कर नीलिंग करके और वो जो थी प्रार्थना कर रही थी। प्रार्थना कैसी थी? जेंटल। क्रिस्टबेल का व्यक्तित्व था कि वो बहुत ही शांत, जेंटल और संस्कारी लड़की थी, तो उससे हर सेंटेंस, हर वर्ड जो जुड़ा हुआ है वो बहुत ही जेंटल तरीके से कवि ने चुना है। हर स्लेंडर पाम्स टुगेदर प्रेस्ड, हीविंग समटाइम्स ऑन हर ब्रेस्ट, हर फेस रिजाइन टू ब्लिस ऑफ बेल, हर फेस ओ कॉल इट फेयर नॉट पेल, एंड बोथ ब्लू आईज मोर ब्राइट देन डियर, ईच अबाउट टू हैव अ टियर। उसने दोनों हाथ दुबले पतले से दोनों हाथ जोड़े हुए थे, ब्रेस्ट टुगेदर प्रेस्ड, और उसकी सांस तेज़ी से चल रही थी। उसके चेहरे पे एक ब्लिस था यानी शांति थी, और उसका जो चेहरा था कॉल इट फेयर नॉट पेल, पेल यानी पीलापन लिया हुआ नहीं था, बहुत ही गोरा था, चमकदार। एंड बोथ ब्लू आइज, और उसकी आँखें जो थी वो नीले रंग की थी और वो बहुत ही चमकीली और क्लियर थी, ऐसा लग रहा था उसकी आँख से बस आंसू टपकने वाले हैं। विद ओपन आइज आह वो इन मी। अब कवि जो है प्रेजेंट में आते हैं और कहते हैं उसकी आंखें खुली क्यों है, मुझे बहुत दुख की बात है, क्योंकि ये जो पैराग्राफ आया है, ये जो स्टैंजा आया है, वो उस चीज़ को दर्शाता है जब क्रिस्टबेल के ऊपर जिराल्डीन का जादू चल चुका था, यानी जिराल्डीन ने उसको अपने वश में ले लिया था। अस्लीप एंड ड्रीमिंग फियरफुली, अब वो सो रही है लेकिन डरी हुई है, फियरफुली। Fearfully dreaming, yes, yet I wish, dreaming that alone, which is, oh sorrow and shame. अब कवि कहते हैं कि इतनी दुख की बात है, इतनी प्यारी लड़की, इतनी अच्छी लड़की का ये हाल हो गया है, sorrow and shame. Can this be she, the lady who knelt at the old oak tree? अब कवि कहते हैं क्या ये वही क्रिस्टबेल है, उतनी प्यारी सी क्रिस्टबेल जो कि पहले पेड़ के नीचे बैठ के प्रार्थना कर रही थी, आज उसकी ये हालत कैसे हो गई है? Oh, lo, the worker of these harms that holds the maiden in her arms seems to slumber still and mild as a mother with her child. और जिराल्डीन, जिसने क्रिस्टबेल को अपनी बाहों में लिया हुआ है, वो चुपचाप शांति से सो रही है, ऐसे लगता है जैसे एक माँ अपनी बच्ची को लेकर सो रही है। ओ जिराल्डीन, वन आवर वॉज दाइन, दाउ हैड दाई विल बाई ट्रेन एंड ड्रिल, द नाइट बर्ड्स ऑल दैट आवर वॉज स्टिल, बट नाउ दे आर जूबिलियंट एन्यू। अब कभी कहते हैं सुबह हो गई है, रात का जो अंधेरा है वो छट चुका है, रात को जिराल्डीन जो चाहती थी उसने किया, उसने क्रिस्टबेल को अपने वश में रखा और उसके माइंड पे भी कंट्रोल कर लिया था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब जो जैसे जैसे सुबह हो गई है और हर पक्षी जो कि रात को सब बिल्कुल डरे सहमे से सो रहे थे, सबको पता था कि कुछ गड़बड़ हो रहा है लेकिन कोई कुछ कर नहीं सकता था, लेकिन अब वो सब जाग चुके हैं और हर तरफ पक्षियों की चहचहाट सुनाई दे रही है। फ्रॉम क्लिफ लैंड टावर टू वू टू वू टू वू टू वू फ्रॉम वुड एंड फिर, हर तरफ आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। एंड सी द लेडी क्रिस्टबेल गैदर्स हरसेल्फ फ्रॉम हर ट्रांस, हर लिम्स रिलैक्स, अ काउंटेनेंस ग्रोज सैड एंड सॉफ्ट। अब क्रिस्टबेल भी उठती है और अपने आप को समेटने की कोशिश करती है, उसका शरीर जो बिल्कुल स्टिफ हो चुका था वो रिलैक्स करता है और उसका काउंटेनेंस यानी उसका जो चेहरा था, उसके जो एक्सप्रेशंस थे, वो थोड़े सॉफ्ट और सैड हो जाते हैं, यानी उसको रियलिटी पता है इसलिए वो दुखी हो जाती है। द स्मूथ थिन लिड्स क्लोज्ड ओवर हर आइज एंड टीयर्स शी शेड्स, लार्ज टीयर्स दैट लीव द लैशेस ब्राइट, और उसकी आंखों से बड़े बड़े आंसू गिरते हैं। एंड ऑफन द वाइल शी सीम्स टू स्माइल एज इन्फेंट्स एट अ सडन लाइट, और बीच बीच में उसके एकदम बच्चों जैसी मुस्कुराहट भी चेहरे पर आती है। यानी क्रिस्टबेल की स्थिति बहुत ख़राब है, वो बहुत कुछ कहना सुनना समझाना चाहती है लेकिन वो कर नहीं पा रही। क्यों नहीं कर पा रही? क्योंकि उसके ऊपर जिराल्डीन का जादू चढ़ा हुआ है। या शी डज स्माइल एंड शी डज वी, और वो मुस्कुराती भी है और वो रोती भी है। अब एक चीज़ ये कह सकते हैं हम
कि मुस्कुरा इसलिए रही है क्योंकि अब जिराल्डीन का इतना ज़्यादा पावर उसके ऊपर नहीं है, और दूसरा वो दुखी है क्योंकि उसके साथ इस तरह का एक्सपीरियंस हुआ। लाइक अ यूथफुल हर्मिट्रेस ब्यूटियस इन अ वाइल्डनेस, और वो एक हर्मिट यानी एक देवी की तरह लगती है। हु प्रेइंग ऑलवेज प्रेज इन स्लीप एंड इफ शी मूव अनक्वाइटली परचांस इट इज बट द ब्लड सो फ्री कम्स बैक एंड टिंगल्स इन अ फीट। आप सबको ये एक्सपीरियंस हुआ होगा, कई बार हमारे हाथ पांव सो जाते हैं, जब सो जाते हैं तो एक अजीब सी असुविधा होती है, लेकिन जब जब वो वापस पैर खुलता है तो हमको एक अजीब सी टिंगलिंग का सेंसेशन होता है, एक झंझनाहट सी होती है। उसी तरह से क्रिस्टाबेल को भी लगा, ऐसा लगा रात भर उसको किसी ने बांध के रखा था और वो बंधन अब खुल चुका है, तो उसके शरीर के अंदर जो ब्लड है वो आराम से फ्लो कर रहा है। नो डाउट शी हैड द विजन स्वीट व्हाट इफ अ गार्जियन स्पिरिट इट वर्क, और ऐसा लगता है जैसे उसने कोई सपना देखा, और ये भी सोचते हैं कि शायद उसकी जो स्पिरिट है उसकी मदर शायद उसको प्रोटेक्ट कर रही है, शायद उसके आसपास है। व्हाट इफ शी न्यू हर मदर नियर, और उसको तो पता भी नहीं है कि उसकी मदर उसके आसपास ही है और उसको प्रोटेक्ट कर रही है। बट दिस शी नोज इन जॉयज एंड वोज, लेकिन एक बात क्रिस्टाबेल को अच्छी तरह से पता है दुख में और सुख में, दैट सेंट्स विल एड इफ मेन विल कॉल, कि अगर हम ईश्वर को सच्चे दिल से पुकारते हैं, सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं, तो सेंट्स यानी ईश्वर हमारी मदद ज़रूर करता है। सेंट्स विल एड यानी मदद। फॉर द ब्लू स्काई बेंड्स ओवर ऑल, जो पूरी जो कविता है एक पॉजिटिव नोट पे ख़त्म होती है, और कवि कहते हैं ब्लू स्काई यानी आकाश, स्वर्ग, ईश्वर सबके ऊपर अपनी ब्लेसिंग्स रखता है और वो सबके ऊपर आती है, लेकिन आपको भी ईश्वर को सच्चे मन से याद करना चाहिए।